पीडब्ल्यू रे प्रकार कोऑपरेटिव जिनस आउ इंटरेक्टिव जिनसटा एत रही मत फिल हो कि आई मीन द वे ऑफ माय एम निज पिला सुंदर भविष्य पर सब चिंतार था बापा माँ आज कंपिटिशन मार्केट रे एडवांस एजुकेशन पाई स्कूल ठारु आरंभ करी कोचिंग सेंटर एमिति कि इंस्टीट्यूशन चयन करती जोठारे पिलाटी भल पाठ पढ़ा सहित निजर क्यारियर गढ़ी पारे तेज आम वर्तमान अच्छु भुवनेश्वर स्टेशन बजार फिजिक्स वाला विद्यापीठ से यठार किपर चली पाठपढ़ा कौन रही सब कोर्स आउ रिजल्ट केमती होउची से नहीं अधिक आलोचना करवा चलतु फिजिक्स वाला विद्यापीठ सेंटर है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स वाला पहले ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट हुआ था 2021 में हम लोगों ने अपना पहला हाइब्रिड सेंटर लॉन्च किया था पाठशाला के नाम से। पाठशाला में क्या होता था कि हम लोग की लाइव क्लासेस कंडक्ट होती थी, स्टूडेंट्स वहाँ के क्लास करते थे एंड उनको डाउट क्लियरिंग सेशन हम प्रोवाइड करते थे। 2022 में हम लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग में अपना पहला कदम रखा विद्यापीठ के नाम से। विद्यापीठ में हम इसलिए आए क्योंकि हम बच्चों से जिस तरह से ऑनलाइन में जुड़े थे वहाँ से हमें पता चला कि बच्चों की पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है लेकिन जो एक लाइव क्लास की बात होती है वो बच्चों को ऑनलाइन में नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चों की डिमांड की वजह से ही हम लोग ऑफलाइन में आए। यहाँ हम बच्चों को जेई और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, साथ में हम लोग क्लास 9-10 के बच्चों के फाउंडेशन कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं जो आगे जाके उनके लिए नीट और जेई में हेल्पफुल होंगे। अब जेई और नीट में रिजल्ट कैसा हो रहा है यहाँ पे? भुवनेश्वर में तो हम लोग का अभी फर्स्ट ईयर है, हमारा रिजल्ट 2024 में आएगा, बट पीडब्ल्यू का पहला रिजल्ट 2023 में आ चुका है और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट रहा है। हमारे यहाँ जो भी बच्चा आता है वो अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है दोनों ही केस में सेम डे उसके पेरेंट के पास SMS जाता है। इसके साथ साथ हम मंथली बेसिस पर पेरेंट्स के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग भी करते हैं जब पेरेंट्स को हम बुलाते हैं और उनको उनके बच्चे की परफॉर्मेंस अटेंडेंस या बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा है तो और अच्छा कैसे कर सकता है, रेगुलर बेसिस पर हम इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पे कितने फैकल्टीज हैं? अभी हम लोग के पास 40 फैकल्टीज हैं यहाँ। अच्छा, और लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं? हाँ, लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है और लाइब्रेरी के साथ साथ हम लोगों ने सेल्फ स्टडी रूम्स बच्चों को अलग से अलॉट कर रखे हैं। बच्चों की जो डाउट है डाउट क्लियर कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास या फिर क्लास के बाद कैसे करते हैं? दोनों तरह से हम लोग डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चे को ये समझाते हैं कि बेटा अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम लोग क्लास में ही टीचर से पूछो। बच्चा क्लास में पूछता है, उसके अलावा मॉर्निंग 8:45 से इवनिंग 8:30 तक 12 आवर्स की हम लोग डाउट क्लास प्रोवाइड करते हैं जिसमें हर सब्जेक्ट के सेपरेट फैकल्टीज 12 आवर्स डाउट क्लास में मौजूद रहते हैं। बच्चे को डेली डाउट क्लास का टाइम टेबल जाता है कि किस टाइम पे कौन से फैकल्टी डाउट रूम में अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली स्टूडेंट वहां जाके अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। और एक नया कोर्स आ रहा है उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ, अभी देखिए हम लोग का एक कोर्स लॉन्च हुआ है फास्ट ट्रैक के नाम से। ये कोर्स स्टार्ट होगा 1 नवम्बर को। स्टार्ट डेट इसकी 1 नवम्बर है, एंड डेट 31 मार्च है। इस कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रीवियसली ड्रॉप किया था, प्रिपरेशन की थी, फिर वो सोचते हैं कि हम लोग इस साल सेल्फ स्टडी से ही देंगे, बट 2-4 महीने सेल्फ स्टडी करने के बाद उनको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, अब हमें कोई ऑप्शन मिल जाए। बट अगर वो कोचिंग्स में जाते हैं तो कोचिंग्स में ऑलरेडी मार्च से अप्रैल से मई से बैचेज स्टार्ट हो गए होते हैं तो वो लोग परेशान रहते हैं। उनके लिए हम लोगों ने फास्ट ट्रैक के नाम से एक कोर्स लेकर आए हैं। जनरली आपने देखा होगा क्रैश कोर्स होते हैं, बट ये क्रैश कोर्स नहीं है। क्रैश कोर्स में क्या होता है कि 40-45 डेज के अंदर एक सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है, बट ये कंप्लीट कोर्स है। कितने दिनों तक होता है ये? 1 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है एंड मार्च में एंड होगा। अच्छा। 31 मार्च को। ये सहित अच्छा फिजिक्स वाला विद्यापीठ बिजनेस सारों सहित अधिक आलोचना करवा। सर स्वागत करुच्छे धरित्री लाइव को। थैंक यू। प्रथमे आमे जानिबा को चाहिबो ए जो फिजिक्स वाला रही छी यार प्रॉपर लोकेशन कोन रही छी? हमरो लोकेशन भुवनेश्वर रो रेलवे स्टेशन बैक साइड, हमर जो कटक पुरी रोड रही छी, हमरो स्टेशन बाजार पाखरे बुद्धेश्वरी कॉलोनी लेन 1 रे नियर बाय हमरो लक्ष्मी सागर, सेही जगह रे हमरो प्रॉपर लोकेशन एडा मैडम रही छी। क्लास करिबा पई जेहेतु पिला माने आसुछंती टाइम टेबल कोन रही छी, केमती पाठ पढ़ा हुए से नहीं कौन कहे? आमर दुटा सिफ्ट रे क्लास हो मॉर्निंग 8:30 पाखापाखि आमर 1:30 जाए फर्स्ट सिफ्ट रोचे, देन सेकेंड सिफ्ट आमर क्लासेस आउ गोटे सिफ्ट 3:30 to 8:30 रोचे, आउ गोटे जो मैंने रेगुलर करेन्ट स्टूडेंट्स जो मैंने स्कूल जाइक
पुणी से कोचिंग की आसान 5:15 to 8:30 रोचे विकली आमर 4 to 5 days से क्लासरूम प्रोग्राम रोचे एंड एव्री डे वी आर ट्राइंग टू कवर आटलिस्ट 4.5 hours ऑफ क्लासेस जो पिलामने स्कूल रे 9, 10 by 11, 12 पढ़ुचंती से मैंने पाखापाखि 3 hours क्लास पर डे करुचंती जो मैंने टैलेंटेड अच्छंती जो मान एक्सपीरियंस अच्छी फाउंडेशन प्रोग्राम देखिबा ओलंपियाड्स को नहीं कि IIT जे रिजल्ट पब्लिश क्षेत्र रे बा नीट रिजल्ट ऊपर सही माने ही काम करुचंती फिजिक्स वाला भुवनेश्वर रे सर टोटल केते पिला अछंती और पिला मानकर कोर्स कंप्लीट पई केतेटा बैच रे माने से माने पाठ पढुचंती पाखापाखि हम पाखरे 3500 स्टूडेंट्स एनरोल्ड अछंती 32 to 33 मैक्सिमम बैचेस वी हैव डिवाइडेड सो currently running that batches for the course for the 2024 and 25 because there are some students they have taken 11th they will be appear the exam in 2025 माने समस्तक पई व्यवस्था अछि जोटा कि हां माने पढ़ि परबे तापर पुनी फास्ट ट्रैक जोटा नुवा कोर्स आछि सेठी भी से पढ़ि परबे यस सो बेसिकली आई मीन 2024 रे जो माने नीट देबे समान पई एबे फास्ट ट्रैक कोर्स लॉन्च करलु जो माने लेट रे डिसाइड करू चंती बा कोठी सटिस्फाई नांदी समान पई लेटेस्ट बैच लॉन्च करलु अदरवाइज आवर ऑलरेडी बैचेस आर रनिंग फ्रॉम फॉर 2024 फ्रॉम अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स सर ओडिसा रे जेतु भुवनेश्वर रे हेची सर ओडिसा रो पिला आसुथिबे पढिबा पई तो सेमानकर रहिबा ठु आरंभ करी पाठ पढिबा तांको फॅमिली को सब जिंस अपडेट करिबा केमते कोन मॅनेज करू चंती एतरे हमर गोटे स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी गोटे हमर एथिरे अच्छी फिजिक्स वाला रे पाखापाखि 3 to 4 मेम्बर्स मोर कलिग अच्छा एम्प्लॉई आम पाखे प्राइवेट हॉस्टल्स अच्छी जो मैंने आमर नॉर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करुचंती आ आमे तंकर सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करुचु विथ वेरी नॉमिनल प्राइसेस दे हैव आमे प्रोवाइड करुचु हॉस्टल फैसिलिटीज थैंक यू सर एते माने भल भाव रे बुझे देले जे जदी को पिला माने भी पढिया पई चाहुथिबे ताहाले आराम से आसी के एथी पाठ पढी परबे थैंक यू सर ऑनलाइन रे से टीचर टू स्टूडेंट कनेक्ट हे पर नथला बट ऑफलाइन रे टीचर टू स्टूडेंट कनेक्ट हे पर छे हम से त जत डाउट होछि संगे संग सेठी सर को कि मैम को डायरेक्ट सेठी पचारी जे होछि जोटा ऑनलाइन रे हे पर नथला बिकॉज़ माने फिजिकल प्रेजेन्स तो नथिला पीडब्ल्यू रो एते प्रकार कोऑपरेटिव जिंस आउ इंटरेक्टिव जिंसटा एते रहिछि मते फील होजि कि आई मीन द वे ऑफ माय एम टचिंग माय एम आ मु एटा मोर फुल कॉन्फिडेंस अछि मोर जतिकी डेडिकेशन डिटर्मिनेशन आउ परिश्रम सेथरे रहिबो ता सथ हम टीचर्स मानकर जो डेडिकेशन आम प्रति अछि आम सथ ओटे फ्रेंडली मैनर से हमको आगु को नै चलचंदि आई एम श्योर कि आमे निश्चय आम एम को टच करि परिबो आ निश्चय दिन दिन गोटे बहुत भलो डॉक्टर हो जस्ट बिकॉज ऑफ पीडब्ल्यू जमी भाव में आपण मैंने देखुले आम थू भुवनेश्वर स्टेशन बजार में फिजिक्स वाला विद्यापीठ से यार बहुत भल पाठ पढ़ा एवं विभिन्न कोर्स रही तेरे आम एने सेंटर हेड को आरंभ कर बिजनेस हेड समस्त सहित आलोचना करूँ एवं केमी रही पाठपढ़ा शैली केमी अच्छा फाकल्टी से नहीं आलोचना कलु आम ये कहूँ जदि आपण मैंनेठाक आसी पाठ पढ़ापी चाहती तेज आसतु प्रथम एठाकर सबकि प्रणाली बुझु तापर ही आडमिशन निवनेश्वर कैमेरा पर्सन पंकज का सह नक्षत्रों का रिपोर्ट धरित्री लाइव।